Hello friends, welcome to Gates Measure. Let's see the numerical on priority scheduling with preemption mode. जहाँ पे मेरे पास numerical में चार processes दिए हैं, उनका arrival time है और उनका burst time मेरे पास given है. अब priority scheduling में criteria क्या होता है? Priority. Priority मतलब कि जिस process की ज़्यादा priority होगी, उस process को हम CPU को पहले allot करेंगे. मतलब मेरे पास question में ही given है priority 10, 20, 30, 40. हर एक प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी दी हुई है. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है कि प्रायोरिटी का मतलब क्या है. मतलब कि हायर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी और लोअर द नंबर हायर, इस तरीके से आपको मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मेंशन होगा. अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन है कि 10 इज द हाईएस्ट और इट इज द लोएस्ट. तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, मतलब 40 वाला जो है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है. तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं विद प्रीएम्प्शन मोड, तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. सो बाय यूजिंग द गैंट चार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं. जीरो पे सबसे पहले चेक करना है अराइव कौन सा प्रोसेस है. कोई मर्जी सिस्टम आपको दिया हो, कोई मर्जी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दिया है, कुछ भी उसका क्राइटेरिया है, लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है. अगर अराइव ही सिर्फ एक प्रोसेस हुआ है तो उस केस में कोई क्राइटेरिया बनता ही नहीं है, सिर्फ वही प्रोसेस है तो उसको आप एग्जीक्यूट कर दो. लेकिन जहां पे दो या दो से ज्यादा प्रोसेस अगर अराइव होते हैं, उस केस में आपको क्राइटेरिया का यूज करना पड़ेगा. तो हम चेक करते हैं जीरो पे. जीरो पे अगर अराइवल टाइम चेक किया तो जीरो पे सिर्फ P1 आया हुआ है. तो P1 को हमने यहाँ पे रेडी क्यू से P1 को कहाँ ले आए, रनिंग क्यू में. मतलब हम उसको CPU को दे दिया कि CPU इसको एग्जीक्यूट करो. अब CPU इसको एग्जीक्यूट करेगा कितनी देर के लिए. यहां पे अगर मेरा मोड प्रीएम्प्टिव है तो इस केस में हमें बहुत ही ध्यान से करना है. अगर ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता, प्रायोरिटी विद नॉन प्रीएम्प्शन भी हो सकती है, उस केस में तो आप P1 को अगर एक बार दे दिया तो वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट करना है. लेकिन प्रीएम्प्टिव के केस में आपको क्या करना है, सिर्फ एक टाइम यूनिट तक इसको चलाओ, सिर्फ एक टाइम यूनिट तक. उसका एडवांटेज क्या है, ऐसे हो सकता है अगर आप इसको दो या दो से ज्यादा टाइम क्वांटम तक चलाते हो सकता है उस केस में कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आपने स्किप कर दिया. तो बेस्ट क्या है, आप सिर्फ जीरो से वन तक चलाओ इसको, एक टाइम यूनिट तक. एक तक अगर चलाया तो इसका बर्स्ट टाइम 4 रह गया, एक कम हो गया यहाँ पे. अब एक पे, अब आप यहाँ पे आ गए, बिकॉज टाइम इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, तो आप यहाँ पे आ गए. अब इस पॉइंट पे दोबारा चेक करो कि कौन कौन से प्रोसेस रेडी क्यू में है. तो 1 पे चेक किया, P1 तो ऑलरेडी है, P1 तो ऑलरेडी रनिंग क्यू में है, तो ऑब्वियसली वो रेडी क्यू में है ही. P2 भी यहाँ पे आ गया, बिकॉज P2 भी अराइव हो गया 1 पे. मतलब P1 और P2 दो प्रोसेस हैं. अब अगर मेरे पास दो प्रोसेस आ गए तो उनमें कॉम्पिटिशन है कि पहले किसको चलाना है. उस केस में हम यूज करते हैं क्राइटेरिया. अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रायोरिटी. मतलब P1 और P2 अगर दोनों 1 पे रेडी हैं तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी चेक करनी पड़ेगी. अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, P2 की, बिकॉज हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी. तो अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो P1 को हमें प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा. और P1 को प्रीएम्प्ट करने का मतलब है P1 वापस रेडी क्यू में आ जाएगा और P2 रनिंग क्यू में चला जाएगा. तो P2 यहां पे आएगा और P1 वापस रेडी क्यू में चला जाएगा. उसका मतलब कॉन्टेक्स्ट को हम सेव कर देंगे कि वो एक टाइम यूनिट तक चल गया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो उसका जो है टाइम सिर्फ 4 ही हो, 5 ना हो. तो अभी यहां पे P2 को चलाया, लेकिन कितने टाइम तक चलाना है, सिर्फ एक तक. अगेन वही पॉइंट है कि अगर आपने इससे ज्यादा का चलाया तो हो सकता है कि आपने हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आप मिस कर जाओ. तो 1-2 यहां पे चलाया तो इसको भी हमें कम कर देते हैं, बिकॉज बर्स्ट टाइम इसका अब 3 रह गया. अब हम किस पॉइंट पे खड़े हैं, 2 पे. तो 2 पे सबसे पहले चेक करो कि कौन कौन से प्रोसेस रेडी क्यू में है. तो अगर 2 पे चेक किया तो ये देखो P3 भी रेडी क्यू में आ गया, P1 ऑलरेडी रेडी क्यू में था, P2 अभी रनिंग में है. लेकिन अब हमें चेक करना है P1, P2, P3 में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है. तो 30 नंबर जो है इन दोनों से ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है. तो यानी किसको चलाएंगे, P3 को. लेकिन अभी कौन सा चल रहा था, P2. तो P2 को प्रीएम्प्ट करके रेडी क्यू में, और P3 को हम यहां पे
एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन कितनी देर के लिए, सिर्फ एक टाइम क्वांटम के लिए। तो मतलब इसका जो टाइम है वो 2 से क्या रह जाएगा, 1। अब 3 पे दोबारा फिर चेक करो कि कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो गए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो P4 अराइव होगा 4 पे, तो यानी 3 पे जो पहले थे वही अराइव है। तो 3 पे अगर दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, बट स्टिल अगर चेक करते हो तो आपको पता लगेगा कि P1 P2 P3 ही है, और इन तीनों में से हायर प्रायोरिटी किसकी थी, 30, मतलब P3 की। तो यानी P3 ही दोबारा फिर चलेगा एक टाइम क्वांटम तक, मतलब 3 to 4, और ये हो जाएगा 0, मतलब P3 क्या हो गया, टर्मिनेट, कंप्लीट हो गया। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। अब आप 4 पे पहुंच गए, 4 टाइम पे पहले चेक करो कि कौन सा कोई नया प्रोसेस रेडी तो नहीं हो गया। हाँ, नया प्रोसेस P4 अब रेडी हो गया। तो P4 जब रेडी हो गया, अराइव हो गया, तो सबसे पहले चेक करना उसकी प्रायोरिटी। इसकी प्रायोरिटी जो है वो 40, मतलब P1 और P2 की प्रायोरिटी से ज्यादा। तो ऑब्वियसली किसको एग्जीक्यूट करना है सबसे पहले, P4 को। तो P4 को एग्जीक्यूट किया एक टाइम तक, और ये 1 to 0 हो गया। बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइम है बर्स्ट टाइम वो 1 था, तो इसीलिए 1 से 0 हो गया। आपको वैसे भी एक टाइम यूनिट तक ही चलाना, हो सकता है इसके बाद P5 P6 हो, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 4 ही है, तो आप इसको एक एक टाइम तक चलाते रहो। अब 5 पे चेक किया, कोई नया प्रोसेस आया, नो, ओनली 4 प्रोसेसेस वाज देयर। तो सारे के सारे प्रोसेस जो है वो आ चुके हैं एक एक बार। अब ये प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है। P1 और P2 बचे हैं। अब P1 और P2 में से आप अगर देखो तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, P2 की। तो इस केस में अब P2 को आप एग्जीक्यूट करोगे। अब यहां पे टाइम सेविंग के लिए आपको P2 को सिर्फ एक टाइम तक चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको 5 to 6 चलाओगे तब भी इसकी प्रायोरिटी तो ज्यादा ही रहेगी, प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली इसकी P1 से ज्यादा ही है। तो रादर देन कि आप इसको एक एक करके चलाओ, आप इसको कॉन्टिन्यूसली चला सकते हो 3 टाइम तक, बिकॉज इसका कितना टाइम बचा हुआ, 3। तो 5 + 3 = 8, तो 5 + 3 = 8, मतलब जब एक बार सारे प्रोसेस आ जाते हैं तो ये एक तरह से नॉर्मल बिहेव करता है, नॉन प्रीएम्प्टिव की तरह ही बिहेव कर रहा है, और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपको दोबारा एक एक करके चलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज P2 की प्रायोरिटी तो हमेशा P1 से ज्यादा ही रहेगी। तो इस केस में आप इसको पूरा चला दो 5 to 8, और ये कर दो टर्मिनेट। अब कौन सा बचा, P1, तो P1 ही बचे, तो ऑब्वियसली P1 को एक एक करके चलाने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको कितना टाइम है, 4, तो 8 + 12 = 8 + 4 = 12, तो आप इसको जो है पूरा एग्जीक्यूट कर दो यहाँ पे। अब सिंपली जो कंप्लीशन टाइम लिख लो गैंट चार्ट को देख के, P1 लास्ट टाइम कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ, और इसके राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 12, P2 के राइट हैंड साइड में 8, P3 लास्ट टाइम बिल्कुल लास्ट कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, और इसके केस में क्या लिखा हुआ है, 4, और P4 के केस में लिखा हुआ है 5। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, CT - AT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, सो इट विल बी 12 7 2 1। वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम ध्यान रखना आप ओरिजिनल बर्स्ट टाइम जो दिया था उसी से करना है, कई बार हम जब क्रॉस वगैरह कर देते हैं तो उस केस में स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान से करना। 12 - 5 = 7, 7 - 4 = 3, 2 - 2 = 0, 1 - 1 = 0, सो दिस इज द वेटिंग टाइम। और अगर आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम, व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो आप एवरेज वेटिंग टाइम जो है या एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाल सकते हो, इसका टोटल कर लो, इट विल बी 10 22, 22 इज द टोटल TAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, एंड एवरेज वेटिंग टाइम विल बी टोटल इज 10 डिवाइड बाय 4, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। सो 20 डिवाइड बाय 4 दैट विल कम आउट टू बी 5.5, एंड इट विल बी 2.5। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद प्रीएम्प्शन। नॉन प्रीएम्प्शन तो इससे भी इजी है, विद प्रीएम्प्शन में बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक एक टाइम यूनिट तक चलाना है। और दूसरा पॉइंट एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम होती है, मतलब कि लेट्स से कि यहाँ पे अगर मेरे पास इसकी प्रायोरिटी 30-30 होती, तो इस केस में अगर दोनों एक ही टाइम पे अराइव हो गए, दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक ही टाइम पे अराइव हो गए और उनकी प्रायोरिटी भी बराबर है,
तो उस केस में आप किसको पहले चलाओगे, आप अराइवल टाइम वहां पे चेक कर सकते हो सबसे पहले। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा दिया होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर आए उस केस में आप उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिमूव करोगे। अगर कुछ नहीं दिया तो आप सिंपली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह काम कर सकते हो, मतलब जो पहले आया आप उसको पहले सेलेक्ट कर लो। अगर अराइवल टाइम भी सेम है तो फिर तो लास्ट केस में आप सिंपल क्या कर सकते हो, सीक्वेंस वाइज जैसे प्रोसेसेस की आईडी है उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट कर दो। दिस इज ऑल अबाउट द प्रायोरिटी विद प्रीएम्प्शन। थैंक यू।